सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद का 13वां सूत्र, और ये एक बहुत बड़ा कर्म फल व्यवस्था का सिद्धांत चल रहा है दर्शन शास्त्रों में। तो इसमें हमने पढ़ा था कल कि अनेक जन्मों में जो जो हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, तो जो भी हम पाप कर्म या पुण्य कर्म करते हैं उनका एक जो संचय, एक गट्ठर, एक प्रघट जो बनता है, तो उसमें से जो जो कर्म विपाक को प्राप्त होते हैं उन तो बहुत सारे कर्मों को, कर्माशयों को मिला करके ये जन्म हमें मिल गया। जाति आयु भोग उन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं अनेक जन्मों के संस्कार जिन्होंने अभी फल देना शुरू नहीं किया है, उनको यहाँ व्यास जी की भाषा में कहा अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक। दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट मतलब ये वर्तमान जन्म जो दिखाई दे रहा है, तो कुछ तो ऐसे संस्कार हैं जो दृष्ट जन्म वेदनीय, इस वर्तमान जीवन में जिनका हम अनुभव कर रहे हैं या अनुभव करने के योग्य हैं जो, और दूसरे बहुत सारे ऐसे हैं अनेक जन्मों के जो अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो आगे कभी फल देंगे, और अनियत विपाक हैं, उनका विपाक अभी नियत नहीं हुआ है। तो उसकी तीन गति बताई इन्होंने। एक तो है जो विवेक ख्याति प्राप्त होने से, योग अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से जो नष्ट हो सकते हैं, एक संभावना है ये। दूसरी संभावना है कि वो किसी दूसरे कर्म के साथ मिलकर के अपना फल दे देंगे, और तीसरी संभावना है कि वो किसी प्रबल विरोधी कर्म से अभिभूत हो जाएंगे और वो लंबे समय तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये तीन श्रेणियां इन्होंने बताई थी। ठीक है, आगे चलो कल वाले पाठ से। हाँ बोलो। प्रणाम दीदी जी। जी, इसमें जो जाति के साथ आयु और भोग शब्द आया है, उसके आने का विशेष प्रयोजन क्या है? जैसे आपने कल बताया था कि मनुष्य की आयु है वो 100 वर्ष और उसके नियत भोग हैं औसत आयु, 100 के किसी के 90 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ का ग्रहण तो जाति शब्द कहने से भी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बताया था कि जो दृष्ट जन वेदनीय हैं वो एक विपाक आरंभी अर्थात भोग को देने वाले और या फिर आयु को देने वाले हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं। तो बस यही जानना चाह रहा था कि भोग और जो आयु, आयु और भोग जो शब्द है उसके आने का विशेष प्रयोजन क्या है? मतलब स्पष्ट कर दिया ना कि चलो कोई यूँ सोचे कि भाई जो हम कर्म करते हैं तो उसका फल केवल जीवन कौन सी जाति मिलेगी, बस इतना ही है क्या या और भी कुछ है? तो कहानी उसके साथ साथ आयु भी उन्हीं कर्मों के अनुसार मिलती है। तो आपका कहना है कि जीवन जो जाति मिल गई, जैसे मनुष्य जाति मिल गई, तो आयु कहने की जरूरत नहीं, उसमें अंतर्निहित ही है 100 वर्ष होगी वो आयु। और फिर चलो आयु तो हो भी जाए, भोग तो निहित नहीं है कि मनुष्य को कौन से भोग मिलेंगे। भोग तो सबके अलग अलग है ना, चलो आपकी बात मान भी लें, आयु ना भी कहने की जरूरत है तो भोग तो कहने की जरूरत है, क्योंकि किसी को तो जन्म से ही कोई सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है और किसी को तो सारे जीवन भी रोटी खाने के भी लाले पड़ते हैं। तो भोग तो सबके अलग अलग है, वो तो कहना ही पड़ेगा। तो आयु का भी यहाँ इन्होंने संकेत कर दिया, क्योंकि कुछ या तो इनको ऐसा होगा कि मनुष्य योनि में भी
जैसे कभी कभी तो अल्पकाल में भी तो लोग चले जाते हैं ना, तो उसको मनुष्य योनि तो मिली लेकिन पूरी आयु नहीं मिली उसको। मनुष्य की जो औसत आयु थी 100 वर्ष वो नहीं मिली। 15-20 साल में भी कभी कोई चल जाते हैं, 20-25 साल में भी चले जाते हैं। तो ये भी इनका हो सकता है कि आयु कितनी मिलेगी वो भी इन कर्मों के अनुसार ही होता है। एक तो औसत आयु तो हो ही गई है ना, और फिर भी आयु शब्द डाल रहे हैं, तो मनुष्य के जीवन में भी सबकी आयु अलग अलग होती है। फिर उसमें जो अपना पुरुषार्थ है उसका आहार, उसकी दिनचर्या, उससे भी आयु कम ज़्यादा होती है, ये भी ठीक है। ये तो हो गया दृष्ट जन्म का प्रयास, और अदृष्ट जन्म वाला भी जुड़ा हुआ है। अदृष्ट जन्म में, पीछे के जन्म में मानो किसी का आहार दिनचर्या ये बहुत अच्छे रहे हैं तो उसके भी तो संस्कार बनते हैं ना। तो उस व्यक्ति को जब मनुष्य का जीवन मिलेगा तो उसकी आयु पीछे के अकॉर्डिंग बहुत लंबी वाली आयु होगी उसकी। ये तो मतलब ऐसा ही है ना, जैसे आपके बैंक के अकाउंट में कितने रुपए हैं और 31 मार्च को जब उसका वो होता है, बैलेंस शीट बनती है 1 अप्रैल को, तो पीछे वाला पूरा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे तो है नहीं कि भाई 31 मार्च को जो क्लोज हुआ तो पीछे के सारे पैसे क्लोज हो गए और अब 1 अप्रैल से जो आप डालोगे उतना ही आपके बैंक में बैलेंस होगा, ऐसा तो है नहीं। तो सारा का सारा तो आता है। तो पीछे किसी को मनुष्य का जन्म मिला था और उसका आहार चर्या आदि ठीक नहीं थी, दिनचर्या ठीक नहीं थी, खाना पीना ठीक नहीं था, तो उसके भी तो संस्कार बने ही हैं ना। तो अब उसको किन्हीं अन्य कर्मों से, चलो उसको मनुष्य जीवन तो मिल गया लेकिन आयु वाले संस्कार उसके फिर कम पड़ जाएंगे, तो उसको फिर वो मनुष्य की जाति मिलते हुए भी आयु उसको पूरी 100 वर्ष की नहीं मिलेगी। और ऐसे ही भोग का भी है, मनुष्य जीवन तो सभी को ही मिल गया लेकिन कोई व्यक्ति को तो पैदा होते ही इतनी सुख समृद्धि उसको मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि उसके वो वाले संस्कार उतने प्रबल नहीं थे भोग वाले। और कोई प्रश्न है? चले आगे। तो अच्छी बात है इन्होंने ध्यान दिलाया, जाति के साथ आयु और भोग दो शब्द पढ़े हैं तो इनका भी प्रयोजन है ना, नहीं तो नहीं पढ़ते। आगे ये कह रहे हैं, द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्य पापकस्य एको राशि पुण्यकृतो अपहंती। कह रहे हैं ये दो प्रकार के कर्म हैं, पाप और पुण्य। तो कर्म हमारे जितने भी हम करते हैं तो उनको मुख्य रूप से हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक पुण्य कर्म एक पाप कर्म। लेकिन कह रहे हैं इसमें भी जो पुण्य कर्म हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि पापकस्य एको राशि, पाप की एक बहुत बड़ी राशि पुण्यकृतो अपहंती, पुण्य कर्मों से नष्ट हो जाती है। ये व्यास जी का कहना है, पापों को नष्ट करने का एक ही तरीका है, पुण्यों को बढ़ा दें। पुण्यों को बढ़ा देंगे तो पाप अपने आप ही होने बंद हो जाएंगे, तो नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कहा, तद इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैवते कर्मः कवयो वेदयन्ते। इसलिए कवयः वेदयन्ते, कवि, कवि मतलब महर्षि, ऋषि, महर्षि आदि, ईश्वर का भी एक नाम कवि है, तो हम वेद वाक्य को भी ले सकते हैं। कवयो वेदयन्ते, वेद हमें बताते हैं, ऋषि हमें बताते हैं, मनीषी हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? सुकृतानि कर्माणि तद इच्छस्व, सुकृतानि कर्माणि कर्तुम इहैव इच्छस्व। सुकृत कर्म करने की यही इच्छा करो, शुभ कर्म करने की इच्छा करो, पुण्य कर्म करने की इच्छा करो, ऐसा हमें वेद बताता है, ऐसा हमें ऋषि महर्षि बताते हैं। इहैव यहीं पर, यहीं पर मतलब इसी जन्म में, अभी आज ही सुकृत करने की इच्छा करो, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करने की इच्छा करो, ऐसा हमें ऋषि महर्षि मनीषी कवि बताते हैं। क्यों बताते हैं? यहाँ पर ही इहैव, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही माने इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में, क्योंकि और कहीं पर भी ये पुण्य कर्म करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
केवल मनुष्य जीवन में ही तो ये सुविधा उपलब्ध है पुण्य कर्म करने की। तो इसलिए यहाँ पर कहा इहैव ते कर्म सुकृतानि कर्माणि कर्तुम इच्छस्व। और दूसरा जो उपनिषद का वाक्य है इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदित महति विनष्टि। आज ही जान लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर महति विनष्टि है, क्योंकि फिर तो चांस मिलेगा ही नहीं। मुश्किल से तो ये मौका मिला है ना, और सारी योनियों में जाने के बाद और तब ये मौका मिला है हमें। तो इसलिए यहाँ पर तो केवल पुण्य कर्म करने की इच्छा करो, सुख भोगने की इच्छा मत करो। देखो सामान्य रूप से हमारी प्रवृत्ति क्या होती है मनुष्यों की, सुख भोगने की होती है हमारी। हमें सुख मिल जाए, क्लास से छुट्टी मिल जाए, बहुत राजी, क्योंकि सुख मिलेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। खाना अच्छा मिल जाए, बहुत राजी। कथा सुनने को मिल जाए, बहुत राजी, क्योंकि कान को अच्छा लगता है। तो हमारी इंद्रियां क्या इच्छा करती हैं, सुख की इच्छा करती हैं सामान्य रूप से। और ये कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, कवयो वेदयन्ते सुकृतानि कर्माणि कर्तुम इच्छस्व। सुकृत कर्म करने की इच्छा करो, पुण्य बढ़ाने की इच्छा करो, किसी की सेवा कर दो, किसी को दान दे दो, किसी की मन से सहायता कर दो, किसी की तन से सहायता कर दो, तो पुण्य बढ़ेंगे ना। फिर किसी को सुख दे दो, सहायता मिल, पुण्य बढ़ेगा। तो इसलिए सुबह से शाम तक, शाम को जो आत्मनिरीक्षण की कक्षा होती है गुरुकुलों में, होने भी चाहिए, तो उसमें शाम को ना काउंटिंग करते हैं आचार्य लोग। पूछते हैं अपने शिष्यों से, भाई आज बताओ आपने अब क्या क्या सुकृत किया, पुण्य कर्म क्या क्या किए। तो फिर वो सुबह से शाम तक के जीवन को देखता है, बोले कुछ नहीं, बस जो दिनचर्या थी वो ही की, सुकृत तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर बताएंगे कि भाई कल कोई ना कोई सुकृत करना। फिर वो गिनता है कि आज मैंने कम से कम ये एक पुण्य कर्म किया। फिर अगले दिन वो दो करने की कोशिश करता है, क्योंकि जागरूक हो जाते हैं ना, दूसरा पूछता है। तो ये आत्मनिरीक्षण का जरूर होना चाहिए। और यदि कोई गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं, सब तो गुरुकुल में पढ़ते नहीं हैं, तो वो क्या करें, वो खुद ही अपना आत्मनिरीक्षण करें रात को सोते समय कि आज का दिन जो मुझे मिला था जीने के लिए, तो आज मैंने कोई सुकृत किया कि नहीं, कोई पुण्य कर्म किया कि नहीं। तो हो सकता है कि आपने तन से कोई पुण्य कर्म किया हो, उसको भी स्मरण करें आप, और हो सके तो उसको डायरी में नोट डाउन करें। महापुरुष जितने भी हुए हैं उनमें से बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी रही है कि वो लोग अपने डायरी मेंटेन करते थे। बहुत लोगों के बारे में सुना है, तो रात को लिख लेते थे कि आज हमने ये सुकृत किए। तो ऐसा करने से ना फिर उसका संस्कार प्रबल हो जाता है पुण्य कर्मों का। अगले दिन वो व्यक्ति फिर करेगा, उनको बढ़ाता जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो याद करता है कि आज तो मैंने 10 पुण्य कर्म किए, तो रात को बहुत अच्छी नींद सोता है। फिर उसको लगता है कि ये तो कमाई हो गई, आज का दिन तो सार्थक हो गया, 10 पुण्य कर्म किए मैंने। और यदि इसको याद आ जाता है कि आज तो मैंने 3 पाप कर दिए, तो इसको लगता है कि इसका तो फल दुख देने वाला है, तो इसलिए कल से मैं ध्यान रखूंगा कि ये वाले कर्म अपने को नहीं करने हैं जिससे पाप बढ़ता है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो हट जाता है। तो ये बताते हैं कुछ लोगों ने जो अपने डायरी मेंटेन करते हैं, उन लोगों ने अपने अनुभव बताए कि जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो वो उसको लिखते हैं डायरी में शाम को, और या तो उसके आगे ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं कि नहीं करना है, या तो उसको लिख के कागज पे उसको जला देते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा हमने कुछ दिन किया और फिर हमारे जीवन से वो गलत आदत चली गई। उसको हटाने का ये एक तरीका। और जो हमने अच्छा किया उसको हमने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा और उसके आगे ऐसे टिक लगा दिया राइट वाला, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ गई। जैसे कोई व्यायाम नहीं करता था और उसने करना शुरू किया, और वो शाम को गिनता है कि आज से मैंने व्यायाम करना शुरू किया, मोटे अक्षरों में लिखा और उसको राइट टिक कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है। आज से मैं ध्यान नहीं करता था आज तक, और आज तो मैंने आधे घंटे का ध्यान किया। आज तक मैं यज्ञ नहीं करता था, आज से मैंने यज्ञ करना शुरू किया। उसको टिक लगाते हैं मोटे अक्षर में, तो वो चीज़ बढ़ जाती है उनके जीवन में। तो इसलिए यहाँ पर व्यास ऋषि कह रहे हैं कि हमें कवयो वेदयन्ते
सुकृतानि कर्माणि कर्तुम इहैव इच्छस्व, यही इच्छा करो और कहीं भी चांस नहीं मिलेगा इस जीवन में ही। और इस जीवन में भी, ये जीवन भी हमारा कितना लंबा है, आज का ही है ये जीवन, जितने कल बीत गए वो कभी नहीं आएंगे और आने वाला कल कभी आता ही नहीं है, आज ही आता है हमेशा, कल नहीं आता है। तो इसलिए इहैव का एक दूसरा अर्थ क्या हो गया, आज ही, यही, इसी जन्म में इहैव और आज ही, क्योंकि जीवन आज ही है, एक कल नहीं है। हम टालते जरूर हैं, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं व्यवहार के लिए निश्चित रूप से कि हम कल करेंगे, लेकिन कभी भी कल नहीं होता है, जब भी होता है तो आज ही होता है। तो इसलिए आज ही करने की इच्छा करें सुकृत कर्म। क्यों? तो कहा प्रधान कर्माणि अवापगमनम, क्योंकि जो प्रधान कर्म है ना, उसके अधीनता में पाप कर्म दब जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य को हमने क्या बना लिया, प्रधान। तो प्रधान कर्म जो हमारे होंगे वो दूसरे गौण कर्मों को अवापगमनम, उसको दबा देंगे वो। यत्र इदम उक्तम, तो इसलिए तो कह रहे हैं कि जो पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म से यहाँ पर भाष्यकार ले रहे हैं यज्ञ याग आदि, जो बड़े बड़े पुण्यों की जिनको अभिलाषा होती थी तो वो बड़े बड़े याग करते थे, पुत्र कामेष्टि, वर्षेष्टि, स्वर्ग कामेष्टि, कि भी हमें तो स्वर्ग चाहिए, तो फिर वो बड़े बड़े वो पुण्य कर्म करते थे, आज भी करते हैं लोग ना, कहते हैं कि जी हम तो 10 लाख गायत्री का यज्ञ हमने शुरू किया है, 50 लाख का किया है, 1 करोड़ का किया है, ऐसे करते हैं, आज भी लोग करते हैं। और कुछ जो ऐसे योगी संत सन्यासी हैं, वो अपने शिष्यों को, जिनको उनसे दीक्षा लेनी होती है, जी हमें गुरु मंत्र दे दो, तो उन्होंने आज भी ये परिपाटी बना रखी, बोल जी हम अपने जो शिष्य होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप 1 करोड़ पहले गायत्री मंत्र लिखो रजिस्टर में, तब हम आपको गुरु मंत्र देंगे। तो वो इतना लिखते लिखते उस व्यक्ति की बुद्धि अपने आप ही एकाग्र हो जाएगी, तो ऐसे उन्होंने नियम बना रखे हैं। तो ये एक वास्तव में एक पूंजी होती है, जैसे हम दक्षिण में गए तो जो अपना JSS एक बहुत बड़ा वहाँ पर आश्रम है, जैसे उत्तर भारत में अपना पतंजलि का है, अपने एक वो पढ़ते भी थे उनके जो ब्रह्मचारी जय राजेंद्र जी उत्तराधिकारी हैं, तो उनके वहाँ अभी वो जो गुरुजी हैं जय राजेंद्र जी से ऊपर आए भी थे अपने यहाँ, तो वो 24वें गुरु हैं, उससे पहले 23 गुरु हो चुके हैं, और अगला वो उनकी उनके यहाँ वंश परंपरा से ही किसी एक बालक को चुन लेते हैं बचपन में, तो इस बच्चे को बचपन में चुन लिया भाई अगला गुरु ये होगा, तो उसको फिर घर परिवार से अलग ही रखा जाता है, पूजा पाठ में रखा जाता है उसको, उसको विद्या अध्ययन आदि में ऐसे रखा जाता है उसको। तो उन्होंने दिखाया एक बहुत मोटा रजिस्टर है, कम से कम तो होगा तो 500 पृष्ठ का होगा, तो वो केवल उन्होंने वो मंत्र लिख लिख करके ही भरा हुआ है, और वो बहुत बड़े हुए, जैसे उनमें से 5वें या 6ठे गुरु थे वो, उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई, तो उन्होंने अभी भी लिखा है कि देखो हमारे ये, उन्होंने फोटो लगा रखे हैं ऐसे, एक वो बना रखा है एक होल, उसमें 23 के 23 गुरुओं के मूर्तियां स्थापित की हैं, और उनके आगे थोड़ा थोड़ा लिखा है कि किसकी क्या क्या योग्यता थी, क्या उसकी विशेषता थी, तो उनमें से किसी एक ने पूरा, ऐसे लगता है जैसे गुरु ग्रंथ साहिब लिख के रखा हो, बहुत मोटा सा रजिस्टर, बोले वो लिखते थे रोजाना लिखते थे इतना मंत्र, या कोई जप करते हैं वैसे। यत्र इदम उक्तम, उस सुकृत के बारे में यहाँ पर कहा है, स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः कुशलस्य न अपकर्षाय अलम्। तो कह रहे हैं इन याग आदि में भी तो थोड़ी तो हिंसा होती ही है ना भाई, एक तो जिस स्थान पे करते हैं तो वहाँ के जो प्राणी हैं वो भी पैर के नीचे आते होंगे, या अग्नि आदि जलाते हैं, या फिर जो सामग्री आदि एकत्रित की जाती है, और पहले तो जो बलि आदि भी देते थे तो उनमें हिंसा तो होती है ना यज्ञ में भी। तो कह रहे हैं तो वे तो पुण्य को करने चले थे और पाप हो गया,
तो पाप के भय से पुण्य कर्म को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म ज्यादा है, प्रधानता पुण्य की है और पाप उसमें कम है। जैसे खेती करते हैं तो हिंसा होती ही है ना, लेकिन वहां पर भावना क्या है कि भाई खेत में अन्न पैदा होगा तो कितने लोगों का पेट भरेगा, कितने लोगों की रक्षा भी तो होगी। अब वो जो कुछ छोड़े थोड़े बहुत कीट पतंग मरते हैं, उनकी हिंसा ना हो जाए इसलिए खेती नहीं करेंगे, ऐसा सोच के यदि कोई खेती ना करे थोड़ी हिंसा को बचाने के लिए, तो बड़ी हिंसा हो जाएगी, बहुत सारे लोग तो भूखों मर जाएंगे अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो इसलिए वो थोड़ी हिंसा को सहन करके भी खेती करता है, क्योंकि उसमें पुण्य ज्यादा है। तो यहाँ पर भी ये जो यज्ञ याग आदि करने वाले जो लोग हैं, उनसे कोई कहे कि भाई आप तो हिंसा कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं स्यात् स्वल्प संकरः, ठीक है थोड़ा सा मिश्रण तो होगा हिंसा का, तो ये कह रहे हैं स्यात् स्वल्प संकरः, लेकिन वो कैसा है वो संकर मिश्रण, सपरिहार, वो परिहार करने योग्य है, प्रायश्चित कर सकते हैं उसके लिए, सप्रत्यवमर्श, सहन करने योग्य है वो, मतलब थोड़ा सा उस पाप के बदले में मान लो उसका फल दंड मिलेगा भी, तो वो कैसा है सप्रत्यवमर्श, सहन करने योग्य, सह लेंगे थोड़ा सा कोई बात नहीं। कुशलस्य अपकर्षाय न अलम, वो जो थोड़ी सी हिंसा है वो इस कुशल कर्म का अपकर्ष करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अलम नहीं है। जो हमने पुण्य किया है बड़े यज्ञ याग आदि के माध्यम से, उस पुण्य को नष्ट करने के लिए ये थोड़ा सा पाप पर्याप्त नहीं है। क्या समझे भाई? हाँ जी स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि लक्ष्य बड़ा हो तो कार्य किए जा सकते हैं, ऐसे कि जैसे छोटा मोटा कार्य करते हैं हल्की फुल्की हिंसा हो जाती है, लेकिन वो मूल भावना हिंसा की नहीं है, मूल भावना परोपकार की है। नहीं पर वो हिंसा का तो फल तो मिलेगा ना, दंड तो मिलेगा, उसके लिए फिर प्रायश्चित आदि का मंत्रों आदि से विधान भी करते हैं ऐसे कि भाई हमसे जो जाने अनजाने भूल हो गई है तो उसका हम ये प्रायश्चित, तो वो जो पुण्य का वो प्रायश्चित करने योग्य है, या उसका मिले भी थोड़ा सा तो वो सहन करने योग्य, असह्य नहीं है उसका फल। आप लोगों ने घर छोड़ा तो थोड़ी तो हिंसा की है ना, माँ बाप की कष्ट तो दिया ही है ना, हिंसा तो हिंसा ही है ना, लेकिन पुण्य उससे बड़ा है। आप यदि सन्यासी योगी बन रहे हैं और एक जैसे स्वामी जी महाराज जैसी स्थिति आ जाती है, तो फिर इतने लोगों को सुख भी तो दिया ना, तो वो जो माँ को दिया हुआ दुख था, वो जो हिंसा थी, वो कैसी हो जाएगी, सहन करने योग्य है, वो प्रायश्चित करने योग्य है, और इस बड़े कर्म को वो नष्ट नहीं करेगी वो हिंसा। ये जो बड़ा पुण्य कर्म है इसको न अपकर्षाय अलम, अपकर्ष के लिए वो अलम नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अर्थात इस पुण्य को वो नष्ट नहीं कर सकती है। इसलिए पुण्य कर्म करते समय अगर कहीं छोटी मोटी कोई हिंसा भी होती है जो अपरिहार्य है, क्योंकि वो मतलब अपरिहार्य है, कर ही नहीं सकते ना, कुछ आना पड़ेगा तो थोड़ी हिंसा करनी ही पड़ेगी, तो उस अपरिहार्य हिंसा के को सोच करके पुण्य कर्म करना ना छोड़े व्यक्ति, वो थोड़ी सी हिंसा भी यदि होती है तो भी पुण्य कर्म करना ही चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। हाँ जी बोलो, बोला जी। जैसे कहते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसीलिए कहते हैं कि भाई वो पुण्य कर्म ज्यादा उसका फल है ना, वो पुण्य ज्यादा देने वाला है, तो इसलिए छोटी सी हिंसा हो भी गई तो कोई बात नहीं है। वो ये आगे बता रहे हैं, स्यात् स्वल्प संकर है, सपरिहार है, सप्रत्यवमर्श, कुशलस्य न अपकर्षाय अलम, कस्मात्, क्यों, कुशलम ही मे बहुनी बहु अन्यत अस्ति, बोले मेरे कुशल कर्म बहुत सारे हैं दूसरे, ये थोड़ी सी यदि अकुशल भी हो गया, पाप भी हो गया तो कोई बात नहीं, यत्र अयम अवापम गतः, वो मेरा पुण्यों का इतना बड़ा ढेर है कि ये पाप जो है ये उसमें अभिभूत हो जाएगा। अवापम गतः स्वर्गे अपकर्षम अल्पम करिष्यति, ठीक है याग करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में थोड़ा सा मुझे कष्ट भी मिल जाएगा, अपकर्ष भी मिल जाएगा,
स्वर्गे अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति, स्वर्ग में थोड़ा सा नरक की भी एक झलक आ जाएगी तो कोई बात नहीं, उसको सहन कर लेंगे। नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, मतलब ये जो मैंने हिंसा की है इसका क्या क्या फल मिल सकता है। एक तो है कि भाई स्वर्ग तो मिलेगा लेकिन स्वर्ग के साथ थोड़ा कष्ट भी मिलेगा, तो ये पहली संभावना है, तो बोले कोई बात नहीं उसको सहन कर लेंगे। दूसरा, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, ये भी तो हो सकता है कि ये जो मैं पुण्य कर रहा हूँ इस प्रधान पुण्य से, नियत विपाक प्रधान कर्मणा, ये जो नियत विपाक वाला मेरा प्रधान कर्म है इसके द्वारा अभिभूतस्य, अभिभूत होकर के दब करके वो चिरम अवस्थानम पड़ी रहेगी कहीं चिरकाल तक वो हिंसा। कथमिति, तो कहा अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य एव नियत विपाकस्य कर्मणः समान मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य, जो पीछे आए थे उसी बात को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो कर्म है अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य एव नियत विपाकस्य कर्मणः समान मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, बोले मरण काल में अभिव्यक्ति का कारण, आगे वो मेरा जन्म कैसा होगा उस अभिव्यक्ति का कारण किसको कहा है, अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक, उसी को तो कहा है ना, तो इसको तो कहा नहीं, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाक से, माने जो मैंने पाप किया है, माने यज्ञ याग पुण्य कर्म करते समय जो छोटी सी हिंसा हुई है वो या तो तुरंत फल देती है तो कोई बात नहीं वो सहन करने योग्य, एक संभावना। दूसरी, ये भी तो हो सकता है कि मेरे पुण्य कर्म इतने मैं प्रबल बना लूं और वो थोड़ी सी हिंसा है वो लंबे समय तक दबी रहेगी चिरकाल तक, और वो चिरकाल तक दबी रहेगी तो मैं इतने पुण्य करता रहूंगा कि वो कभी ऊपर आएगी ही नहीं, क्योंकि वो क्यों नहीं देगी, क्योंकि वो अदृष्ट जन्म वेदनीय है और अनियत विपाक है, तो इसलिए उसकी मुझे चिंता नहीं है, मैं उसको नष्ट भी कर सकता हूँ और बहुत लंबे समय तक उसको दबा करके भी रख सकता हूँ, तो उसके भय के कारण शुभ कर्म करना नहीं छोड़ना है।